आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर रामकथा के लिए विश्वख्यात मुरारी बापू की कथा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। कुशीनगर स्थित मांधा कुंवर मंदिर के पास पुलिस के जवानों ने सीएम योगी को सलामी दी। रामकथा के मंच पर पहुंचने के बाद सीएम योगी ने रामचरितमानस और मुरारी बापू का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मुरारी बापू ने सीएम योगी को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। आपको बता दें, इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश धर्म की धरती है। उन्होंने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये सब अंतिम दौर में है। ऐसे में रामकथा सुनने के लिए बापू कुशीनगर में आए हैं और भगवान राम की कथा सुनने से कल्याण होगा। बिल्कुल पूजा, क्योंकि राम का नाम ही मोक्ष है और ये कथा कोरोना पर भारत के विजय का प्रतीक बनेगी। बुद्ध और राम के प्रति सनातन श्रद्धा का भाव आपको दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिलेगा, तमाम देशों में देखने को मिलेगा। और ये भाव मुझे लगता है कि जहां कहीं भी राम की संस्कृति पहुंची वो कल्याण का कारक बनी। जहां जहां भी महात्मा बुद्ध का ज्ञान पहुंचा, उन्होंने लोक मंगल की कामना के साथ दुनिया के देशों को एक नई राह दिखाई, जीने की एक नई राह दिखाई। राम और बुद्ध दुनिया को जीने की एक राह दिखाते हैं। भारत है वह कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दे रहा है। आपने देखा होगा, ब्राजील जब भारत की वैक्सीन पहुंची तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किन शब्दों में किया? उन्होंने धन्यवाद इन शब्दों में क्या, हनुमान जी को संजीवनी बूटी धाते हुए दिखाया था और फिर कहा था कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारतवासियों का इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये वैक्सीन हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी।